पहला मेरा वैसे इंटरव्यू है लेकिन मैं हाँ सुनी गई, मैं हंसी तो मेरी पैर में डिग्री सी खाने शुरू हुई, मैं बहुत शुक्रिया हूँ लेकिन मैं हिंदी हर टाइम डाइट दी पंजाबी में बात करती हूँ, मुझे तो पंजाबी की समझ नहीं आती। वो तुझे कह रहा है मैंने कभी बैठे हो जी तो साइड वो मावा जी को बोल ना जितने मर्जी बोल लो, लेकिन जो उन्होंने गाला कटी वो पंजाबी की कटी जानी जे एदा ही तू करना वे फिर मैं ता जानी जे एदा ही तू करना वे फिर मैं ता जानी। मैं हूँ सिंगर इमान और पंजाबी मेरी माँ की जुबान, पंजाबी नाल मुझे बहुत प्यार है, इस करके मैं आप भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं पंजाबी से गल करा। मैं जिते भी जानी मैं पंजाबी ही ज़्यादा गल कर रही हूँ, हाँ मैं उर्दू च भी गल करनी इंग्लिश, बट मैं जो आप ही अच्छा लगता वो पंजाबी लहजा अच्छा लगता है, तो इस करके फिर मैं पंजाबी ही ज़्यादा गल कर रही हूँ। यह मैं भी नहीं पता कि मैं क्यों इन्नी अच्छी लगती है, लेकिन मैं पंजाबी बहुत ही प्यारा लव आ पंजाबी के नाल, कि मैंने कभी यह नहीं होया कि कुछ लोग कहें पंजाबी नहीं कहते ने साड़ी बेसी आ असं पंजाबी की गल करा, मैं तो फखर के नाल गल करनी हर जगह पर गल करनी है और मैं कोई ये बेसी फील नहीं होती है, मेरी माँ जी जुबान आ, असं क्यों अपनी पंजाबी कहिए कि पठान वो कभी अपनी पश्तो नहीं छड़नगे, कोई भी जुबान आ वह कभी अपनी सिंधी को सारी जबाना वो अपनी जबान बोले, लेकिन जो पंजाबी की गल आते ना तो साढ़े अक्सर भैन भरा और रास्ते बच्चों समझा के जाते हैं कि असं फंक्शन पर जा रहे हैं तो किसी खबरदार जो पंजाबी की गल की, क्योंकि वह कहते नहीं पंजाबी की गल करा तो साड़ी बिस्ती हो जाएगी, वो बिस्ती नहीं होंगी बल्कि तेरे बच्चों को पंजाबी आनी चाहिए।